घर पर रखा हुआ चीजों से ही बनाइए स्वादिष्ट मिठाई। ये मिठाई बहुत जल्दी बनता है। अगर अचानक घर में मेहमान आ जाए तो इस मिठाई को बनाकर मेहमान का खातिरदारी कर सकते हैं, या फिर घर के छोटे मोटे पार्टी में भी इस मिठाई को आप रख सकते हैं। तो चलिए ये जल्दी बनने वाला मिठाई को बना लेते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक देना ना भूले। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। इस टेस्टी और इजी मिठाई को बनाने के लिए लेना पड़ेगा 1 टेबल स्पून चीनी, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप फुल क्रीम दूध। आप इन सभी चीजों का मात्रा इससे ज्यादा ले सकते हैं। मैं दूध को उबाल कर ली हूँ। कच्चा दूध में चीनी और मिल्क पाउडर डालने से दूध फट सकता था। उबला हुआ दूध को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल की हूँ। आप चाहे तो गुनगुना गर्म भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाकर डालें 2 टीस्पून घी। घी डालने से मिल्क पाउडर में लम्स नहीं पड़ेगा, इसीलिए घी को अवश्य डालें। अच्छी तरह से मिलाकर ओवन को ऑन करके फ्लेम को रखें लो, बैठाएं फ्राई पैन। गुनगुना गर्म होते ही मिल्क पाउडर का लम्स खत्म हो जाएगा। देखिए मिल्क पाउडर का लम्स खत्म हो चुका है। चलाते हुए तब तक पका लें जब तक दूध में उबाल ना आ जाए। 4 से 5 मिनट पकाते ही दूध में अच्छा उबाल आ चुका है। इसी तरह चलाते हुए दूध को मावा होने तक पका लेंगे। उबाल आने के बाद और 5 मिनट तक पका लिए हैं। दूध गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने के बाद और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। मैं इसे लो फ्लेम में पकाई हूँ। आप मीडियम फ्लेम में भी पका सकते हैं। फ्लेम को ऑफ करके कुछ देर तक इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि तले में लग ना जाए। एक छोटा सा मिक्सिंग बोल में लेंगे 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरह से मिला ले। आप कस्टर्ड पाउडर के जगह में कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लावर लेते हैं तो फ्लेवर के लिए मिलाए वेनिला एसेंस। कस्टर्ड पाउडर में वेनिला एसेंस होता है, इसीलिए अलग से वेनिला एसेंस ना मिलाए। गाढ़ा किया हुआ दूध ठंडा हो चुका है। उसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल कर रखेंगे। इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। उसी फ्राई पैन में लेंगे बॉइल किया हुआ फुल क्रीम दूध। आप पैकेट का टोंड मिल्क भी ले सकते हैं। आप देख ही रहे हैं छाली सहित दूध ले रही हूँ। फुल क्रीम दूध लेते हैं तो खाने में मलाई जैसा चिकना लगेगा। 1/2 कप करके 4 बार फ्राई पैन में दूध ले रहे हैं। वजन में 500 ग्राम। आप इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। उसी कप से 1/2 कप चीनी। मीठा आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। मिलाते हुए बैठाए गैस के ऊपर। फ्लेम को रखे मीडियम। चलाते हुए तब तक पका ले जब तक दूध में उबाल ना आ जाए। चीनी अपना पानी छोड़ने के वजह से दूध हल्का सा पतला हो जाएगा। चलाते हुए 3 से 4 मिनट पकाते ही दूध में उबाल आ चुका है। इसी तरह चलाते हुए तब तक पका लेंगे जब तक चीनी से छोड़ा हुआ पानी सूख कर दूध गाढ़ा ना हो जाए। और 5 मिनट तक पका लिए हैं। डाले दूध में मिलाया हुआ कस्टर्ड। दूध में डालने से पहले अवश्य हल्का सा चला ले, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर प्याले के तले में जाकर बैठ जाता है। कस्टर्ड का घोल डालते ही कंटिन्यू चलाते रहे ताकि कोई लम्स ना पड़े। कस्टर्ड का घोल डालने के बाद दूध को गाढ़ा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। कस्टर्ड का घोल डालने के बाद और 5 मिनट तक पका लिए हैं। कलर भी चेंज हो चुका है। कलछी में लगा हुआ दूध को देखकर पता चल रहा है एक लेयर सा हो चुका है। इसी कंसिस्टेंसी तक दूध को पका लेना है। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम को ऑफ करके कुछ देर तक चलाते रहे ताकि तले में लगे ना। लिए हैं ब्रेड। किनारा काट कर अलग कर देंगे। फ्रिज में रखा हुआ था ब्रेड सभी को खुशामद किए खाने के लिए। कोई खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब सभी कोई मांग कर खाएगा। ब्रेड का ये किनारा फेंके ना, कढ़ाई में फ्राई करके ब्रेड क्रम बना ले। इसी तरह सभी ब्रेड का किनारा काट कर अलग कर दे, या फिर चाय में डुबो कर खाए, टेस्टी लगता है। इसी तरह व्हाइट पार्ट को काट कर अलग कर लेंगे और तिकोना शेप में काट लेंगे। आप किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। लिए हैं गाढ़ा किया हुआ दूध जो सबसे पहले ही बनाए थे। ब्रेड के एक पार्ट में लगाएंगे गाढ़ा किया हुआ दूध। आप इसे मावा भी कह सकते हैं। आप गाढ़ा किया हुआ दूध के जगह दूध का मलाई ले सकते हैं। अगर मलाई लेते हैं तो फेंट कर ले और उसमें चीनी पाउडर मिला ले, या फिर क्रीम को फेंट कर भी ले सकते हैं। एक पार्ट में गाढ़ा किया हुआ दूध लगाकर दूसरे पार्ट से कवर कर दे। रखे सजाकर एक प्लेट में। इसी तरह बाकी ब्रेड का भी बना लेंगे। 2 पीस और ब्रेड का बीचों बीच गिलास से गोल करके कट करके निकाल ले। ये प्लेट का बीचों बीच रखेंगे, देखने में अच्छा लगेगा।
एक ही प्रोसेस से एक पार्ट में लगाएंगे गाढ़ा किया हुआ दूध, दूसरे ब्रेड से कवर करके रखेंगे प्लेट के बीचों बीच। प्लेट का सभी ब्रेड के ऊपर डालें कस्टर्ड मिल्क, ज्यादा करके डालें ताकि कहीं भी सूखा ना रहे। कस्टर्ड मिल्क खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, अगर ये ब्रेड के ऊपर डालें तो और इसका स्वाद बढ़ जाएगा। सजावट के लिए डाले ड्राई फ्रूट, मैं कटा हुआ पिस्ता और चेरी फल ली हूँ, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। बचा हुआ ब्रेड से बनाइए स्वादिष्ट मिठाई या ब्रेड कस्टर्ड रेसिपी। ब्रेड से बना हुआ ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, इस तरह से एक बार ट्राई कर सकते हैं। ब्रेड से बना हुआ ये मिठाई बनाकर देखें, सभी कोई मांग कर खाएगा। ब्रेड कस्टर्ड रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।